नमस्ते। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ट्रेड थीम बेस्ड ट्रेनिंग लिया है, जिसमें हम ग्राइंडिंग के सुरक्षा के बारे में हम बताएंगे। आज सुभाष सर बताएंगे ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, ग्राइंडिंग मशीन का कैसे चलाया जाता है, इस्तेमाल कैसे किया जाते हैं, उसका सेफ्टी के प्रकाशन बताएंगे, क्योंकि प्लांट इलाका में जो प्लांट क्षेत्र में बहुत लोग काम करते हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं, और जो इसको यूज करते हैं उसको बारे में, सेफ्टी के बारे में अब पूरा डिस्कस होगा आज यहाँ पे। वो ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बताएंगे आपको कि कैसे इसको यूज किया जाता है और कैसे सेफ्टी में रखना है इसको, और सेफ्टी से काम कैसे किए जाते हैं, और आपको ये सब ये भी बताएंगे कि ये जो रखे हुए हैं व्हील, व्हील को कैसे फिटअप किया जाता है, इसमें कैसे लगाया जाता है और सेफ्टी से, उसके बारे में आपको ये प्रकाशन देंगे और बताएंगे हमारे सुभाष जी। सुभाष सर, आप इसके बारे में बताएंगे दो शब्द। देखिए, ये जो है पावर टूल है। टूल्स दो प्रकार के होते हैं, एक हैंड टूल होता है, एक पावर टूल होता है। जो पावर टूल जो पावर जो इलेक्ट्रिकल से चलता है, तो हम जब काम करते हैं तो हमको ध्यान में रखना है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारा पावर टूल सही रेटिंग का है, केबल सही रेटिंग का है, उसमें डेडमैन स्विच है, उसमें हैंडल है, उसमें गार्ड है। साथ में जब काम करते समय जो व्हील का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, और उस पर EN स्टैंडर्ड होता है, किसी एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है, और साथ में कंपनी का नाम होता है, और उसमें जो अपना RPM होता है कि कितने RPM पे घूमना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड मटेरियल के बजाय काम चलाओ मटेरियल लाते हैं, जिसके वजह से हादसे होते हैं। तो हमको जब ये काम करते हैं तो फेस शील्ड के साथ में, देखिएगा मैं फिर याद दिलाता हूँ कि फेस शील्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत से हादसे देख चुका हूँ मेरे 12-13 साल के बीच में। मैं काम के दौरान मैंने जब भी किसी को देखा बगैर फेस शील्ड का, तो एक हादसा ऐसा भी हुआ था कि ये फेस शील्ड नहीं होने के कारण हादसा होते होते बच गया। जब मैंने उसको रोका तो मैंने उसको बताया कि आप ये फेस शील्ड क्यों नहीं पहनते, तो उसने कहा उसको नहीं दिया, मुझे नहीं मिला है स्टोर से। मैंने तुरंत स्टोर वाले को फ़ोन लगाया, आप भाई इनको फेस शील्ड क्यों नहीं देते हैं। तो बोला सर मेरे पास आएगा तो मैं दूंगा। लेकिन जब उन्होंने फेस शील्ड का इस्तेमाल किया और उसके काम के दौरान ये जो व्हील है, व्हील टूट कर इसमें गिर गया, इसमें घुस गया, और जो आप कहते हैं ये गर्दन का जो नस, ये जो होता है श्वास नलिका होती है, उसमें हल्का सा स्क्रैच लगा। देखिए, अगर उस दिन में उसको फेस शील्ड के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया होता या तैयार नहीं किया होता तो उस दिन वो व्यक्ति चला गया होता। तो देखिए, काम के दौरान आप इसके स्टैंडर्ड को जाने, इलेक्ट्रिकल के काम है और व्हील कैसा काम करना है, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके साथ वाला भी सुरक्षित रहे। लोग कहते हैं सर सलामत तो पगड़ी हजार, दुर्घटना से देर बने। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय सुरक्षा।